श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चरणामृत और पंचामृत क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ होता है अमृत यानी पांच पवित्र वस्तुओं से बना हुआ। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहां सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है वही यह सेहत से जुड़ा मामला भी है। भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करता है या औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसी हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। पंचामृत का अर्थ है पांच अमृत, दूध दही घी शहद और शक्कर, इन सबको मिलाकर बनता है पंचामृत। इसलिए पंच का अमृत, पांच चीजों का अमृत, इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। पांचों प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। पंचामृत का सेवन करने से शरीर जो है हमारा बलशाली बनता है, पुष्ट बनता है, रोग मुक्त बनता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसा ही अगर खुद स्नान करने लगे तो आपके शरीर को जो कांति है, शरीर के ऊपर एक ऑटोमेटिक ग्लो आएगा आपके पास। तो ये है हमारा चरणामृत और पंचामृत। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।